फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 18, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन ऑफ साइज 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। एक शीट है हमारे पास जिसका साइज है 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। ये 45 है और ये वाली साइड की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, और इससे 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर से इसके चार कॉर्नर कट करके, तो देखिए लिखा है इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, जिसका टॉप नहीं है, बेस है टॉप नहीं है, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। चार कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर में से एक एक स्क्वायर कट करेंगे एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, और उनको मोड़ देंगे, यहाँ से हम उन्हें मोड़ देंगे, तो हमारे पास एक बॉक्स बन जाएगा और उस बॉक्स का हमें वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, और उस बॉक्स का वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा तो इस कॉर्नर की, इस स्क्वायर की लेंथ क्या होगी ये बताना है। तो इसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया हुआ है, आपको ये देखिए, मान लीजिए कि ये रेक्टेंगुलर शीट है आपकी, ये 45 सेंटीमीटर है और ये 24 है, इसके हमने चार कॉर्नर कट कर दिए, इस शीट के चार कॉर्नर समझ लीजिए आप इस तरह से कट कर दिए, और फोल्डिंग अप द फ्लैप्स का मतलब है कि इन्हें ऐसे ऐसे चारों तरफ से मोड़ दिया, तो जो अब एक्चुअल लेंथ जो उसकी 45 थी, अब वो 45 नहीं बची, वो कितनी कम हो जाएगी, तो जितने इसके कॉर्नर कट गए, एक कॉर्नर हमने यहाँ से काट दिया, एक कॉर्नर यहाँ से काट दिया, तो ये अब लेंथ हो जाएगी 45 माइनस 2x, और ब्रेथ इसकी हो जाएगी 24 माइनस 2x, और हाइट यू कैन रियलाइज कि इसकी हाइट क्या होगी, तो इस बॉक्स की हाइट होगी किसके बराबर, इसके बराबर, और बॉक्स का शेप इस तरह का हो जाएगा, द बॉक्स विल बी इन दिस शेप, बॉक्स का शेप इस तरह से हो जाएगा, और इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, तो दोस्तों इस बॉक्स का वॉल्यूम होगा एल इंटू बी इंटू एच, तो जो पहले 45 था अब वो अंदर अंदर जब बॉक्स बनने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि वो अब 45 नहीं रह गया, वो 45 माइनस 2x हो गया, और ये 24 माइनस 2x हो गया, और हाइट कितनी हो गई उसकी, हाइट ये जो कॉर्नर मुड़े वो हाइट हो गई इसकी 2x, तो 45 माइनस 2x ये है आपका 24 माइनस 2x, और हाइट हो गई इसकी x, ये हाइट है इसकी x। वॉल्यूम क्या होगा इस बॉक्स का, वॉल्यूम होगा एल बी एच, तो एल बी एच क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू एक्स। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाते हैं, तो अभी इसमें तीन फंक्शंस के प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, पर अगर एक x को किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, तो 45 माइनस 2x और इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 24x माइनस 2x स्क्वायर, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज व्हाट वी डू, वी डिफरेंशिएट दिस डीवी बाय डीएक्स, तो डीवी बाय डीएक्स प्रोडक्ट फार्मूला लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 45 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस 2, और 24x माइनस 2x स्क्वायर विल रिमेन कांस्टेंट, प्लस 45 माइनस 2x कांस्टेंट है और 24x माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 24 माइनस 4x। अब dv बाय dx को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, फिर उसके बाद उसे इक्वेट करना है जीरो से टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब हम dv बाय dx को जीरो से इक्वेट करें, उससे पहले उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो dv बाय dx को सिंपलीफाई करते हैं, तो देखिए dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 48x प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 2x स्क्वायर मीन्स माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस
आगे देखिए 45 इंटू 24 करेंगे आप तो 1080 आएगा, 1080 माइनस 45 इंटू 4, 45 इंटू दिस 4, ये आ जाएगा आपके पास 45 टू जा 90 और 19 फोर जा 1080, तो यह आ जाएगा माइनस 180x माइनस 2x, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x इंटू 24 माइनस 48x और माइनस 2x इंटू माइनस 4x वो हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आप एक साथ ऐड कर देंगे तो इनको कलेक्ट कर लेते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो गया हमारे पास 12x स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस 48x माइनस 48x माइनस 96x, 96 में हमने ऐड कर दिया माइनस 180x, तो 96 में 180x किया तो माइनस 176 एक्स आ जाएगा हमारे पास, ओ सॉरी 276 एक्स, तो 370 आ जाएगा, नहीं 276 एक्स करेक्ट, और बचेगा प्लस कांस्टेंट 1080। अब इसमें से 12 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 12 टू जा 24, रिमाइंडर बचेगा 3 और 6 36, तो 12 3 जा 36 एक्स, 12 से इसको भी डिवाइड कर दें, 12 9 जा 108, तो ये आ गया हमारे पास और 0, तो 12 इंटू दिस मच, ये आ गया हमारा डी वी बाई डी एक्स। अब टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स वी शैल इक्वेट डी वी बाई डी एक्स विद 0, इसको डी वी बाई डी एक्स मीन्स दिस वी शैल इक्वेट विद 0, इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे, तो देखें 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या होने वाला है हमारे पास, तो डी वी बाई डी एक्स वेन इक्वेटेड विद 0, तो डी वी बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट किया मीन्स 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0, आप 12 को उधर भेज दें 0 के अपॉन में तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें तो ये x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90, 18 5 जा यू कैन अंडरस्टैंड इज 90 और ये आ गया आपका 1 इंटू 90 इज 90 और 18 प्लस 5 माइनस 18 माइनस 5 माइनस 23 तो 0। अब x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 माइनस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 18 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यूज आ गई हमारे पास, दो वैल्यूज आई हैं पॉसिबल वैल्यूज x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 5, दोनों को हम 0 से इक्वेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है x की, एक आती है 18 और दूसरी आती है x इज इक्वल टू 5। तो इससे आप ध्यान से देखें, अब अगर आपके पास ये जो शीट है जैसे मैंने आपको बताया था, इस शीट का साइज ये 45 है, ये वाला साइज इसका 24 है, अगर इसके 18 सेंटीमीटर साइज के अगर चार स्क्वायर्स काट दिए तो ये जब 24 है तो 18 के कैसे कैंसिल कैसे कट सकते हैं, इससे आप समझिए, इसका टोटल साइज 24 है और 18 सेंटीमीटर के अगर हमको स्क्वायर्स बनाने होंगे तो यहाँ से 18 लेंगे, फिर 18 दूसरा वाला कहाँ से लेंगे, तो इससे दो इस साइज के स्क्वायर्स मींस इस एक साइड पर और चारों साइड पर 18 वाले साइज के स्क्वायर्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी लेंथ 24 है और अगर 18 का ये और 18 का इधर काटेंगे तो टोटल हमें 36 चाहिए कम से कम, और 36 भी काटने के बाद कुछ बचेगा नहीं, तो ये वाली जो वैल्यू है 18 वाली ये वैल्यू नॉट पॉसिबल है, इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है अपनी, आपकी वैल्यू एक्सेप्टेबल वैल्यू एक्स की 5। तो अब टू मैक्सिमाइज या टू वेरीफाई, अब ये पता लगाने के लिए कि x इज इक्वल टू 5 पे वॉल्यूम मैक्सिमम है कि नहीं,
तो टू वेरीफाई वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ये पता लगाने के लिए कि वॉल्यूम मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू 5, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर यही था डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 12 कॉमन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x माइनस 23, एक्स का 23 और 90 का 0, तो ये हो गया। अब इसमें x की जगह क्या रख देंगे हम, x इज इक्वल टू क्या रख देंगे, एट x इज इक्वल टू 5 रख देंगे। तो जब 5 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 इंटू, ध्यान दें, 2 इंटू 5 माइनस 23, तो ये वैल्यू 10 माइनस 23, ये आ गई माइनस 13, तो 12 इंटू माइनस 13 मीन्स माइनस 12 इंटू 13, विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, देयरफॉर वॉल्यूम विल बी द मैक्सिमम। कब होगा मैक्सिमम, व्हेन लेंथ ऑफ स्क्वायर विच इज कट फ्रॉम, तो लेंथ ऑफ स्क्वायर जिसको हमने चारों कॉर्नर से कट किया था उसकी लेंथ कितनी हो, 5 हो, तो इस कब पॉसिबल होगा, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन स्क्वायर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर आर कट फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि इस लेंथ के हमें स्क्वायर्स काटने चाहिए। हमें मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू नहीं पूछी कि मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो। अगर ऐसा होता तो ये जो x की वैल्यू 5 है ये हम वॉल्यूम वाले एक्सप्रेशन में रखते, जो सबसे पहले वाला एक्सप्रेशन था 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x। तो ये था दोस्तों इसका आंसर। होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा। और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, देश को बढ़ाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।